हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले बेसिकली कि किस तरह से हम टेक महिंद्रा के बीपीओ को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत सारे सवाल है लोगों के मन में कि किस तरह से टेक महिंद्रा का बीपीओ काम करता है या फिर किस तरह से वहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है, लोग किस तरह से ज्वाइन होते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक को लेके कि हम किस तरह से टेक महिंद्रा के बीपीओ को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, अगर आप इस प्रोसेस को समझ लेंगे सो होप वहाँ पे आपको काम करना या फिर वहाँ पे करियर करना आसान हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो आज के वीडियो में बेसिकली मैं उन्हीं टॉपिक्स को कवर करूँगा जो इम्पोर्टेंट है गाइज। सो टेक महिंद्रा का बीपीओ का अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बेसिकली, तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली बीपीओ होता क्या है या फिर किस तरह से बीपीओ का प्रोसेस वर्क होता है। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली कुछ आइडिया बताऊंगा यहाँ पे, कुछ बातें बताऊंगा कि किस तरह से बीपीओ काम करता है गाइस। लेट इट बी कोई एक कंपनी है, कंपनी का कोई एक वर्क है जो जिस प्रोसेस पे वो कंपनी काम कर रही है। हालांकि इसमें से होता क्या है कि बहुत बार कंपनी को अपना जो प्रेशर्स है वो संभालने में दिक्कत हो जाती है। सो होप कि अपने वर्क का कुछ पार्ट, यानी अपने वर्क का कुछ पार्ट वो कंपनी किसी और कंपनी को दे देती है। लेट इट बी यहाँ पे जो इतना पार्ट है जो मैंने डॉटेड पार्ट दिखाया है, ये पार्ट मैंने किसी और कंपनी को करने के लिए दे दिया। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं बीपीओ। बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अभी यहाँ पर इस प्रोसेस ने अपने बिजनेस को आउटसोर्स किया किसी अदर कंपनी को, जिसको यहाँ पर नोट किया है। तो यहाँ पर एक कंपनी, अभी जो एक कंपनी है नंबर, इसको मैं नाम देता हूँ बी कंपनी और इसको मैं नाम देता हूँ ए कंपनी। सो बी कंपनी अभी एक कंपनी के लिए काम कर रही है, एक कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उनके पॉलिसी को ध्यान में रखकर वो उनके साथ पैरेलली काम करने वाली है। सो होप यहाँ पे प्रोसेस फ्लो है वो प्रोसेस फ्लो फास्ट हो जाता है गाइस, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेंटेन करना एक कंपनी को भी आसान हो जाता है। सो बीपीओ का एक बेसिक इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ पर जो टाइम मैनेजमेंट है, यानी हम बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम या फिर जो कुछ भी उनका टाइम पीरियड रहता है, क्लाइंट को जो कुछ भी वो कमिट करते हैं वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट की क्वालिटी रहती है वो क्वालिटी वहाँ पर मेंटेन होती है। और थर्ड चीज़, यहाँ पे प्रोसेस फ्लो भी स्मूथ रहता है, यानी किसी प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आता है। सो होप कि जो बिजनेस आउटसोर्स किए जाते हैं वो बहुत सारे बिजनेस सर्विस बेस्ड बिजनेस हो सकते हैं या फिर कोई ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड, लेकिन मैक्स करके जो बिजनेस होते हैं वो सर्विस बेस्ड बिजनेस होते हैं। और उनमें बेसिकली एक मैन चेन का काम होता है या फिर जो कुछ भी सर्विस होती है उसे मार्केटिंग का काम होता है। सो वहाँ पर आपको इधर बैक ऑफिस की ज़रूरत हो सकती है कि वहाँ पर आपको बैक ऑफिस का काम करना पड़े, या फिर आपको वॉइस प्रोसेस के थ्रू कॉल काम करना पड़ता है तो वहाँ पर आपको कॉल सेंटर्स की ज़रूरत होती है, या फिर कहीं जगह पे आपको टेक्निकल रेजोल्यूशंस देना पड़ता है किसी क्लाइंट को, तो वहाँ पे आपको केपीओ की ज़रूरत पड़ सकती है जो कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। या फिर कई जगह पे आप सर्विस बेस्ड काम करते हैं, यानी कोई सर्विस का आपको प्रोसेस करना है, माइट बी कुछ भी सर्विस हो सकती है ये, उस सर्विस का आपको फ्लो चेक करना है, उस सर्विस की आपको पूरी डिटेल्स रखनी है। सो बहुत सारी सर्विस ऐसे ड्रॉप शिपिंग्स हो सकती है या फिर बहुत सारी ऐसे सर्विसेस हो सकती है जो मार्केट में लेटेस्ट ट्रेंड पे है। सो इन सारी सर्विसेस को लेके जो एक प्रोसेस काम करता है, इंटायर प्रोसेस को हम बेसिकली बीपीओ कहते हैं, जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में आता है। सो बहुत बार होता क्या है कि महिंद्रा बहुत सारे सेक्टर्स में काम करता है, यहाँ पर उनके पास माइट बी आईटी सेक्टर से, ऑटोमोबाइल सेक्टर से या फिर मैकेनिकल सेक्टर से, तो डिफरेंट सेक्टर्स में वो काम करते हैं। तो उस सेक्टर्स में काम करते टाइम गाइज उन्हें बेसिकली बहुत बार अलग अलग प्रोसेस की ज़रूरत होती है। कई बार उन्हें कॉलिंग प्रोसेस की ज़रूरत होती है, कई बार बैक ऑफिस केपीओ या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो उसके अकॉर्डिंग उनमें ओपनिंग्स निकलती हैं। सो ये बीपीओ की जो ओपनिंग्स है ये कंपनी प्रोफाइल पे डिपेंड करते हैं। अभी महिंद्रा अगर किसी कंपनी के सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रही है तो
तो ये सर्विस बेस जो प्रोफाइल है वो कॉल सेंटर्स हो, बैक ऑफिस हो, उसमें काम करेगा। अगर ये प्रोडक्ट बेस काम कर रहा है, यानी यहाँ पर मैकेनिकल सेक्टर्स में कोई प्रोडक्ट की ड्रॉप शिपिंग हो रही है, तो वहाँ पे ये जो कॉल सेंटर्स या बीपीओ होंगे ये प्रोडक्ट बेस सर्विस पे काम करेंगे। यानी सर्विस और प्रोडक्ट यानी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन जो बैकएंड वर्किंग होती है उनकी सेम होती है। सो जो जॉब क्राइटेरिया होता है बेसिकली बीपीओ ज्वाइन करने के लिए, वो थोड़ा सा आपके पास 10th 12th या फिर जो कुछ भी आपका डिग्री हो, सो बेसिक जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो 10th पास आउट का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो डोमेस्टिक बीपीओज होते हैं जहाँ पर सिर्फ आपको अगर आपकी एक लोकल लैंग्वेज में बात करने की ज़रूरत होती है या फिर आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में बात करने की ज़रूरत होती है, लेकिन मैक्स टाइम आप लोकल लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं अगर ये प्रोजेक्ट डोमेस्टिक में काम कर रहा हो। अगर ये बीपीओ का प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे काम करता हो तो वहाँ पे इंग्लिश या फिर जो भी पर्टिकुलर सर्टन कंट्री को लेकर लैंग्वेज होती है, जापानीज़ हो, जर्मन हो, चाइनीज़ हो, उस लैंग्वेज का नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इंडिया में अगर बात करेंगे टेक महिंद्रा की, सो टेक महिंद्रा के पास लगभग 70% प्रोजेक्ट से डोमेस्टिक बेस्ड प्रोजेक्ट्स है, तो यहाँ पे अगर आप डोमेस्टिक बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे जॉब करना चाहते हैं तो इट्स इजी टू वर्क, कि आप यहाँ पर इजीली जॉब कर सकते हैं। जॉब के लिए क्राइटेरिया नहीं है। इंटरव्यू प्रोसेस में माइट भी आपको दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जीडी या फिर जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है बेसिक, उनका वो एप्टीट्यूड टेस्ट फेस करना पड़ सकता है, और उसके बाद बेसिकली आपके 4 राउंड्स होते हैं, जहाँ पर फर्स्ट राउंड आपका प्री एग्जामिनेशंस में भी एप्टीट्यूड जीडी होता है, दूसरा राउंड यहाँ पे आपका एचआर राउंड हो सकता है जहाँ पे आपको एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तीसरा राउंड होता है आपका, उसमें आपको टेक्निकल या नॉन टेक्निकल डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस, किस प्रोसेस के लिए आपको हायर कर रहे हैं उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो होप इसका प्रिपरेशंस भी अकॉर्डिंग टू प्रोसेस डिफरेंट रहता है गाइज। अगर आप बीपीओ में कोई सर्विस हो, जैसे कि बीपीओ में आप किसी टेक्निकल प्रोडक्ट को लेके सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास नॉलेज है या नहीं है इसको लेके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, या फिर कोई अगर ऐसे मार्केटिंग सर्विस हो तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशंस या फिर बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के साथ इंट्रैक्शंस कैसे बना के रखते हो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक की जाती है। सो होप इंटरव्यू के टाइम में भी ये टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, लेकिन वो जो थर्ड राउंड होता है वो बहुत ही टफ होता है। सो बहुत सारे लोग फर्स्ट सेकंड राउंड इजीली क्रैक कर पाते हैं, लेकिन थर्ड राउंड के लिए स्टक हो जाते हैं। सो होप यहाँ पे अगर वेल प्रिपेयर करके जाएंगे गाइस अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, आपको जब इंटरव्यू का कॉल आता है तब आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शंस आता है, और अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शंस आपको प्रिपरेशंस करना पड़ता है। सो होप यहाँ पे अगर आपका वो प्रिपरेशन सही है, सो आगे चल के आपको इंटरव्यू में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और फाइनली जो फोर्थ राउंड होता है बेसिकली वो डॉक्यूमेंटेशंस का होता है, या फिर जो कुछ भी आप ऑफर लेटर्स वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। सो डॉक्यूमेंटेशंस में आपके पास वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही ज़रूरी है जो ज्वाइनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, सारे डिग्री सर्टिफिकेट्स या फिर जो भी पासपोर्ट हो या फिर जो भी प्रेजेंट या फिर करंट जो एड्रेस हो आपका, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ही मैंडेटरी है। आपके पास अगर उसकी अटेस्टेड कॉपी होगी सो वेल एंड गुड। बहुत बार कंपनी स्कैन डॉक्यूमेंट का भी यूज़ करती है, सो अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी होगी तब भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और ये राउंड होने के बाद फाइनली आप बीपीओ को ज्वाइन कर पाते हैं गाइस, क्योंकि टेक महिंद्रा के बीपीओ को ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है या फिर कोई ऐसी चैलेंजिंग थिंग नहीं है, लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग आपको 1 month का जो फ्लोर ट्रेनिंग बोलते हो जिसको, कि जो ऑन फ्लोर ट्रेनिंग की जहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के पीछे बैठ के आपको उन सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है, किस तरह से कॉल अटेंड करते हैं, किस तरह से कॉल को टैकल किया जाता है, क्रिटिकल केसेस को किस तरह से हैंडल किया जाता है, या फिर कौन सा डिपार्टमेंट कौन सी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सारी चीज़ें वहाँ पर चेक की जाती है। सो होप कि अगर ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पता चले सो आप जल्द से जल्द खुद होके इन चीज़ों को ट्रायल कर सकते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि उनके जो ट्रायल पीरियड होता है बेसिकली, उन ट्रायल पीरियड में भी बहुत बार बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। सो होप कि यहाँ पे जब कभी भी आप 1 month की ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपको सारी चीज़ों को जल्द से जल्द खुद में बिल्ड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं होती, कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें नहीं होती, लेकिन
कुछ उनका प्रोसेस स्टैंडर्ड प्रोसेस रहता है जो उन्होंने बेंचमार्क लेके क्रिएट किया होता है कि इतना कॉल है, इतना टाइमिंग है, इतने टाइमिंग में ये कॉल सॉल्व करना है, या फिर इस क्वेरी के रिलेटेड कॉल इस डिपार्टमेंट को ही सॉल्व करना है, या फिर अगर क्रिटिकल जो क्वेरीज होती है उसको सॉल्व करने के लिए हमें किन प्रोसेस का यूज़ करना है। बहुत बार होता है कि कुछ क्वेरी या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जो आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, सो होप इन दैट केस आपको वो प्रोसेस किसी और को देनी होगी सॉल्व करने के लिए। सो गाइज होप कि आपको बेसिक तो आइडिया आई होगी कि यहाँ पर बीपीओ में काम कैसे चलता है, बीपीओ की ज्वाइनिंग कैसे करते हैं और बीपीओ में किस तरह से इंटरव्यू प्रोसेस होता है। मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में, एक पीपीटी में आपके सामने प्रेजेंट करूँ। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ क्वेरी, कमेंट, डाउट्स और रिगार्डिंग सेम तो बेशक आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।